हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 20 जुलाई को हुआ था, 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में। तो ये आपका इस दिन का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बोला कि एक कोड लैंग्वेज की गई क्वांटिटी को, ये बोला गया है रिलायबल को, ये बोला गया है सैम्पलिंग को क्या बोलेंगे। तो क्वांटिटी के क्या करो, लेटर की नंबरिंग यूज करो, 17, 21, 1, 14, 20, 9, 20, 25। इसका यूज करो तो 20, 16, M13, Z26, ओके, H8, S19, ये 24 और ये 19। अगर आप चेक करोगे, करो इस तरह करो उसमें कि सभी का क्या कर रखा है, एक एक डिफरेंस कर रखा है सभी में, क्या कर रखा है, एक एक का डिफरेंस कर रखा है। इस तरह से क्रॉस करोगे तो आप, तो बस इस तरह से आपको क्रॉस करना। तो एस एस का -1 करोगे, एस क्या होता है 19 पे होता है, 19 का -1 करोगे तो 18 आता है, 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। और स्टार्टिंग के सारे नंबर लेटर क्या है, सभी 3, 4, 5 लेटर सेम है, 5 लेटर तक सेम है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 लेटर को इंटरचेंज करते हैं, तो ये आपका 7 पर आता है। 7 का इंटरचेंज करोगे -1 करके, तो -1 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 पर क्या आता है, एफ आता है। तो सेकंड लेटर एफ आएगा लास्ट के सेकंड लेटर पे, एफ, ये कट गया, ये कट गया, 2 बचे हैं। एन 14 पर आता है, -1 करोगे 13 आ जाएगा, 13 पे कौन सा लेटर आता है, एम आता, तो ये कट गया, ये आपका राइट ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जितना हो सके टाइम बचाओ अपने लेटर्स को मैच करके। आगे बोला कि इच वोवल इन वर्ड, वोवल्स क्या है, चेंज कर रहे हैं फॉलोइंग लेटर इंग्लिश मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और कॉन्सोनेंट चेंज हो रहे हैं पिछले लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, FRTSAW, एफ पिछले लेटर की पर चले जाओ, एफ 6, 5 आ जाओ, 5 पे ए आता है, आर, आर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आर का उल्टा पीछे ले जाओ, 18, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, ई, ई होता है 5, ये ओवल्स है, ओवल्स को आगे ले जाओ, एफ, एफ आ जाएगा। ओके, टी, ए पीछे ले जाओ, एस आ जाएगा, एस, एस और पीछे ले जाओ, आर आ जाएगा, ए, ए आगे ले जाओ क्योंकि ये वोवल से, बी आ जाएगा, और डब्लू, डब्लू को एक पीछे ले जाओ, 23, 22, V आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला, न्यू वर्ड फॉर्मेट वर्ड होया, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन अल्फाबेट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट। अब ये बताना है कि जो लास्ट से क्या करना है, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी, जो लेटर मैच हुआ है, जो वर्ड बना है उसमें कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज के अकॉर्डिंग लगाए, तो थर्ड, थर्ड फ्रॉम द राइट, चलो एक बार इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाओ, तो ये आपका 2 होता, 22 होता, 18, 19, 6 और 6, और ये कितना हो जाएगा भाई, 17, 5, 2 पहले आ जाएगा बी, फिर ई, फिर एफ, एफ के बाद क्या आएगा, 5, 6, 6 के बाद 17 है, क्यू, फिर आर, और फिर एस, फिर वी। तो एक ऐसा लेटर बताना है जो थर्ड फ्रॉम द राइट है, और कितने लेटर है जो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चेक करो, एस मैच कर रहा है, आर मैच कर रहा है, वी मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट तो क्या हो, घुमाने के लिए दी गई, तो 3 लेटर आपके ऐसे हैं जो मैच कर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिक्चर की तरफ देख कर कहता है सुमेल की, सी इज द सिस्टर ऑफ माई मैटरनल अंकल, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, मेरे मैटरनल अंकल मतलब सोमेर की जो मदर है उसके भाई के अंकल की क्या है, अंकल के सन है, अंकल के कौन है, सन है। ठीक है,
और ये क्या है, सन सिस्टर है उसकी, इसकी क्या है, सिस्टर है, ठीक। तो क्या लगेगा, गर्ल्स जो होगी वो पिक्चर रिलेटेड टू सोमेल क्या लगेगा, कजन लगेगा, ठीक है, कजन इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो आप कह सकते हो मम्मी के भाई, मम्मी के भाई की बेटी, ठीक है। तो ऐसे भी आप कह सकते हो, वरना कजन आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मिरर इमेज बताना। तो फाइव को ऐसा करोगे तो फाइव कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ पर इसने गलत कर दिया है और बाकी ठीक है। बाकी एच देखो सभी में सेम है, हमें एक ऐसा लेटर चाहिए जो सभी में अलग हो। आर आर देखते हैं किस तरह दे रखा, ऊपर इस तरह दे रखा, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कुछ इस तरह होगा, ऊपर की तरफ हाफ होगा तो ये कट जाएगा। नीचे के दो ऑप्शन बच चुके हैं, फिर ये वाई, अब इसमें वाई में चैलेंज दे रखा है, वाई कैसा होगा, तो वाई कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये उल्टा दे रखा कट हो गया। तो ये तीन ऑप्शन आपके कट हो गए, बाकी ये एक ऑप्शन बचा वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, बोला कि 29 से 53 कितना डिफरेंस होगा, 24 का डिफरेंस होगा, इधर कितने का डिफरेंस होगा भाई, 7, 11 में से 3 गए, 8, 4, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 6, 9। देखो आप ये देखो, ये डबल हो गया, देखो जो डिफरेंस आ रहा उसका डबल होता था, तो मतलब इधर जाएंगे तो डबल क्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 माइनस करो 29 में, अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ही लेटर सभी में अलग है, तो मैं फर्स्ट ही सोल्व करूंगा, बाकी सोल्व नहीं करने वाला। बोला कि बी और जी के बीच में कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखो जी से पहले क्या है, डी, यहाँ पर भी जी से पहले डी है, पी, पी आगे कोई लेटर नहीं दे रहा, तो पी को मैं छोड़ रहा हूँ, तो पी जी से पहले क्या आएगा, डी आएगा, तो डी आपका राइट आंसर दे देगा, बाकी कट हो जाएगी। बाकी खुद प्रैक्टिस के लिए अपने आप सोल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन, तो आप देखोगे एक दो, इसमें दो ब्लैक, इसमें तीन ब्लैक, इसमें चार ब्लैक, और इसमें क्या आ जाएगा, पांच ब्लैक आ जाएगा, और ये वाला ब्लैक होगा क्योंकि सीरीज में चलाना है, ठीक है। ये लो पांच ब्लैक है, इसमें छह है, इसमें गलत हो जाएगी ये, ठीक है। ऑड वन आउट निकालना, तो यहाँ से आप 3, 24, 7, 9, 18, 13, 2, 25, 6, 7, 21, 11, तो डिफरेंस चेक करिए, 3 और 24 अगर मैं प्लस करता हूं तो 27 बनाता है, पहले दो लेटर को प्लस करूंगा तो 27 बनाएगा, इधर भी क्या बना रहा है, 27 बना रहा है, ये क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं, यहाँ पर क्या बना रहा है, 28 बना रहा है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अपोजिट लेटर का खेल कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 4 से 25 बनाया गया, 12 से 73 बनाया गया, 7 से क्या बनाया, तो आप देखो सिंपल सा, 4 गुना क्या किया गया, 6 किया गया, प्लस में 1 किया गया, 4 गुना 6 करो पहले 24 आएगा, प्लस 1 करो 25 आ जाएगा, 12 गुना 6 72, 72 प्लस 1 करोगे 73, तो इसमें क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई 42 आ जाएगा, 42 में 1 प्लस करोगे 43 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज है, तो यहाँ पर आप इतना सा एक इसको चेक कर लीजिए और एक इसको चेक कर लीजिए, ब्लैक एरो इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ साइन देगा, ये इस तरह का साइन देगा, कुछ इस तरह का, समझ जाना, ठीक है। और ये जीटीज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी राइट दिखा रहा है, सेकंड ऑप्शन में हमारे दोनों एरो ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये वाला एरो ऊपर की तरफ है, गलत हो गया, फोर्थ वाले में ये एरो आपका उल्टे डायरेक्शन में गलत हो गया। अब चेक करने के लिए इसमें चेक करते हैं, और कुछ जो चेंजेस मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये तो ये वाला चेंजेस है, नीचे की तरफ ब्लैक कलर, इसमें नीचे की तरफ ब्लैक कलर है, राइट है, और इसमें क्या है, इस ट्रेंगल में ऊपर की तरफ ब्लैक कलर है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो ऑल लेदर आर शूज, सभी लेदर क्या है, शूज है, सम बैग आर शूज, कुछ बैग क्या है, शूज है, लो भाई सम बैग्स आर पेपर, कुछ बैग्स क्या है, पेपर है, सम पेपर आर लेदर, कुछ पेपर क्या है, लेदर है, कुछ पेपर लेदर है। हाँ भाई एक तरीके से हो भी सकते थे, अगर मैं इसमें पॉसिबिलिटी का साइनिंग लगाता तो पॉसिबिलिटी अगर आता है यहाँ पर तो यहाँ पर राइट होता, नहीं अगर ये वर्ड ही नहीं है तो गलत हो गया,
सम शूज और लेदर, कुछ शूज क्या है, लेदर है। हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेदर का जो एरिया है वो छोटा है, शूज का एरिया जो है वो बड़ा है। तो बड़ी चीज के अंदर हम छोटी चीज को ला सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी चीज लेगा, थोड़ी सी जगह लेगा। ठीक है, सम शूज और पेपर, कुछ शूज पेपर है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का कारण हो सकता है। ये देखो आप, अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो ये पॉसिबिलिटी का कारण हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा तो ये आपका वो गलत हो गया। ओनली सेकंड मेरी तरफ से आपका ठीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के लेते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रखे हैं। सम हिल्स आर माउंटेन्स, कुछ हिल्स क्या है, माउंटेन्स है। सम हिल्स आर वैली, कुछ हिल्स क्या है, वैली है, ये लो। ऑल वैलीज आर रिवर, सभी वैलीज क्या है, रिवर है, ये लो। सम रिवर्स आर वैली, कुछ रिवर्स क्या है, वैली है। हाँ भाई ठीक है, रिवर का एरिया बड़ा है, वैली का एरिया छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा, मतलब सॉरी छोटा जो होगा वो बड़े का कुछ ना कुछ हिस्सा ले सकता है, तो ये राइट हो जाएगा। सम माउंटेन आर वैली, कुछ माउंटेन क्या है, वैली है। अगर हाँ एक तरह से हो सकता था, अगर मैं डॉट डॉट करके इसको दिखाऊं तो जब क्या होता है, पॉसिबिलिटी आता है, पॉसिबिलिटी वर्ड ही नहीं दे रखा तो ये हो जाएगा गलत। सम हिल्स आर रिवर्स, कुछ हिल्स क्या है, रिवर्स है। ठीक है, अगर वैली का हिल के साथ रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, तो वैली तो सारी सारी रिवर्स है ना, तो रिवर्स का भी आपका राइट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट और थर्ड आपका राइट हो जाएगा। बोला कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर बनाता है, तो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर वस्तु है, कोई थिंग है, और यहाँ पर क्या पर्सन, तो ये तो पर्सन नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों पर्सन है, तो यहाँ पर थिंग नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, डिग्री इंजीनियर, डिग्री क्या है और इंजीनियर क्या है, तो दोनों एक से मतलब ये पर्सन नहीं है। ठीक है, ये डिग्री अलग है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो यहाँ से डांस होगा कोरियोग्राफर, डांस जो होगा वो यहाँ पर ये पर्सन है, यहाँ पर ये थिंग है, कुछ एक्टिविटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्यूज को बोला गया ये वाला, तो अब्यूज को देखते हैं। 1, 2, 21, 19, 5, 4, 5, 24, 22, 8। तो आप देखोगे किस तरह से रिलेशन करोगे इसका, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यही होना चाहिए। और क्या लॉजिक दिया गया, +3 दिया गया, +3 किया गया। कैंडी में खुद करके देखिए, डेजर्ट में कर रहा हूँ, डेजर्ट आपका 4, 5, 19, 5, 18, 20, सब मैं क्या करूंगा, +3 करूंगा, +3 करोगे 7 आएगा, 7 पे कौन आता है, जी आता है। तो ये कटोगे, ये कटोगे, ये कटोगे, ये आपका राइट आंसर। बाकी खुद प्लस करके देखिए, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। मिरर इमेज है, थोड़ा कम दिखाई देगा लेकिन समझ लेना, जेड से स्टार्टिंग है, तो जेड कुछ इस तरह से आना चाहिए। ये एस दे रखा है, एस दे रखा है, ये भी जेड आ गया, लेकिन ये जेड क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, जिस तरह से यहाँ दे रखा वो सेम दे रखा, तो ये भी कट हो गया। एक ऑप्शन बचा, वो आपका राइट हो जाएगा, बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। 9 से 712, 702 बनाया गया, 3 से 18 बनाया गया, तो 9 का 702 के साथ रिलेशन करता हूँ, तो 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, लेकिन 702 बनाया गया, तो यहाँ पर क्या 27 किया गया माइनस, तो 702 आ गया। ये 27 किया 9 गुना 3, तो 3 में चेक कर लेते हैं इस लॉजिक के साथ, 3 का क्यूब किया गया, फिर माइनस किया गया 3 को 3 के साथ, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस करोगे 9, तो कितना आ गया, 18। बिल्कुल से लॉजिक लगा है। यहाँ पर क्या करूंगा, 6 का क्यूब करूंगा और -3 गुना 6 करूंगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, माइनस कितना हो गया, 3 6 18 हो गया, तो 198 आपका राइट आंसर दे देगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपोजिट टू फेस ऑफ वन, किसी में यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, ओके। 3 और 4 का रिलेशन देखते हैं, कौन कौन बना रहा है, नहीं बना रहा 3 4, तो इधर देखो 6 और 5, 6 और 5 दो सरफेस, मतलब इसका हमें इस डायग्राम को कोई काम नहीं, इन दोनों का है 6 और 5, दोनों में सेम है, तो मतलब ये क्या होता है, दो सरफेस अगर सेम होते हैं तो थर्ड सरफेस ऑटोमेटिक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, तो एक का उल्टा हो कौन होगा, 2 होगा, तो आपका राइट आंसर फेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई, एस से स्टार्ट करता हूँ, एस या फिर
पुणे में चला गया, फिर इधर आया, और कोई रिलेशन, वो फिर सेंटर में आया, यहाँ से ऊपर फिर सेंटर, फिर यहाँ वापिस। ठीक है, सी सी देखो, सी और एस की सीरीज देखो, एस यहाँ आया, अब सी देखो यहाँ पर आया, फिर अगले मैच कॉर्नर पर चला गया, तो इसका मतलब जो होगा सी यहाँ कॉर्नर में आएगा, तो फर्स्ट में सी वैसे भी राइट दे रखा, थर्ड में, सेकंड में सी नहीं दे रखा, थर्ड में भी सी नहीं दे रखा, फोर्थ में भी सी नहीं दे रखा, मैंने एक पॉइंट से इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बाकी एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं आपके लिए, तो सी को पुट कर दिया। अब हम देखते हैं, मतलब ये वाला डायग्राम इस वाले से रिलेट करेगा, तो अब देखो सिक्स सिक्स यहाँ आया सेंटर में, तो यहाँ पर आर है, आर सेंटर में, फिर सिक्स किधर चला गया, नीचे चला गया, तो आर यहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, तो बाकी और ऑप्शन अपने आप ठीक करके देखिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी टाइम बचाना, तो एक पॉइंट ऐसा निकाल लो जो आपका टाइम बचा सके। ठीक है, पहले ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन करके देखिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन सोल्व करोगे, फिर सारे ऑप्शन सोल्व करके देखोगे। ओके, ऑप्शन सोल्व करिए तो क्या है, मैं आंसर के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया गया, तो 12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस 14, देखते हैं ये आपका 4 हो गया, 12 पंचे 60, 60 प्लस 10, इन दोनों का सम कितना आएगा, 10 आएगा, तो 70 आपका करेक्ट दे देगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, तो चलो चेक करते हैं। MPSV, एक एक नंबर यूज करेंगे, 13, 16, 19, 22, अगर आप देखोगे तीन तीन प्लस कर रहा है, तीन तीन प्लस कर रहा है, इसमें तीन प्लस करेंगे तो 25, 25 पे कौन सा लेटर आता है, वाई, तो वाई आएगा, ये कट कर दो। सेकंड देखो, पी 16, आर 18, टी 20, वी 22, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 24 आ जाएगा, 24 पे कौन सा लेटर आता है, एक्स, डब्ल्यू कट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लेटर देख लो, 20, 21, 22, 23, ये तो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो 24 आएगा, 24 पे कौन सा लेटर आता है, एक्स, तो एक्स आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि दो साइन को इंटरचेंज करना है इक्वेशन को करेक्ट बनाने के लिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करके देख, मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो आंसर के अकॉर्डिंग देखो, डिवाइड और माइनस को चेंज करता हूँ, तो माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, 4 × 2 + 200, डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा 19, 4 से कट करो, 4 6 24 और 4 6 16, 64 में कितना होता है, 128 हो जाएगा, और यहां से 128, 200 में से 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 181 आ जाएगा, सम करिए, 9 0 और 309 आपका राइट आंसर दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल, साइकिल से ये बनाएगा, ये अपने आप चेक करिए, मैं ये चेक करता हूँ, सी मेरे ख्याल से सारे पीछे के, एक लेटर पीछे किया गया है, एक मिनट, सी में से पीछे किया, वाई से पीछे गया, सी से पीछे गया, एल से पीछे गया, ई से आगे किया, यहाँ पर भी ई से आगे किया है, तो आर से आगे क्या है, मेरे ख्याल से अल्फाबेट वोवल, सॉरी वोवल्स में प्लस किया गया, तो ई सेकंड लेटर पर, यहाँ पर प्लस ए कर दो, एफ आ जाएगा, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, ये भी वोवल से, तो ओ की जगह पी आना चाहिए, इधर भी पी आना चाहिए, तो बीच में पी पी आगे कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा, बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 5 375, 14 3 210, तो मेरे ख्याल से क्या क्या होगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है देख लेते, 15 × 5 कितना होता है, 75, 75 का ये 5 गुना दे रखा है, 375 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देखिए, 14 × 3 कितना होता है, 42, 42 × 5 अगर आप करोगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर चेक करिए, तो 14 गुना करें, क्या क्या गया, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर सभी के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना आया, थर्ड वाला आपका राइट आंसर दे देगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो 11 गुना 16 अगर आप करोगे तो 176 आएगा, 176 में अगर 5 प्लस करोगे तो
6 30, 5 7 35 और 3 8, 5 1 5 और 3 8, 880 आएगा। बिल्कुल करेक्ट आपका, 13। 6 7 98, 8 10 182। तो भाई यहाँ पर क्या लॉजिक इन्होंने लगाया होगा कि अगर मैं चेक करूं कि 6 गुना 7 कर लूं प्लस 7 गुना 8 करूं तो ये आपका 42 प्लस 56 हो जाएगा, कितना सम करोगे 98 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट करके देखता हूँ। 8 गुना 9 करो और प्लस में 10 गुना 11 करके देखो तो 8 9 72 होता और यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक है, जो ये आइडिया लगाना, ये वाला लॉजिक मुझे कैसे लगा, मुझे इस 182 से लगा। ठीक है, यहां से तो मेरा आ नहीं रहा था लेकिन यहां से मुझे पता लगा। ओके, तो 72 और 110 को प्लस करोगे 182 आ रहा। तो जो लॉजिक अपना यहाँ पर लगेगा लगेगा, क्या किया, फर्स्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को 1 नंबर बड़ा कर दो, प्लस करो सेकंड को, मल्टीप्लाई करना है सेकंड के 1 नंबर बड़े से, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा। ये आपका लॉजिक लगा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 और 5 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपका अभी क्वेश्चन आ जाएगा। बोला कि ऑड वन आउट निकालना, तो यहाँ पर आप चेक करोगे 6 से 126, 5 से 1260 को 6 से डिवाइड करोगे 210 आएगा, फिर 6 से डिवाइड करो कितना आया, हो जाएगा ना 6 6 18 और कितना हो गया, 6 5 35। ठीक है, 600 बटे 5, 120 बटे 5 अगर आप करोगे, 5 दूनी 24। ठीक है, देखते हैं आगे, 240 बटे 4 कितना हो गया, 60 हो गया, 4 करोगे डिवाइड 15 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई क्या लॉजिक इसमें लगाया हुआ। ठीक है, समझ आ गया भाई। जो लास्ट में ये आंसर निकल कर आया, ये आप देखोगे क्या, 35 जो होगा वो 6 स्क्वायर माइनस 1 होगा, 36 माइनस 1 है। ठीक है, 24 जो है वो आपका क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, 25 माइनस 1। अगर आप देखोगे 5 और 6 कहाँ है, ये रहे। ठीक, ये रहे। ओके, उत्पन्न यहाँ पर देखोगे आप 15 क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, देख लो आप इससे 16 माइनस 1 करके देखो। अब 2050 डिवाइड बाय 7 करके देखता हूँ तो 7 दूनी 14 होता है, 6 5, ये तो डिवाइड ही नहीं जा रहा, डिवाइड ही नहीं जा रहा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।